महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में एक केस दर्ज किया गया है। ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र दिवस के दिन राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित किया था। उसी रैली को लेकर उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे ने जिस दिन औरंगाबाद की रैली को संबोधित किया था, उसी दिन से यह कयास लगाया जा रहा था कि मनसे प्रमुख के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहे थे, खासकर अपने ही भाई उद्धव ठाकरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे थे, तब शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर हमेशा काफ़ी मुखर रहा करती थी। बाला साहब कभी सत्ता पाने के लिए अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा से समझौता नहीं किए, लेकिन आज उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहने के लिए अपने विचारधारा को छोड़कर सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव आज उसी कांग्रेस से गठबंधन करके सत्ता चला रहे हैं जिसकी कभी उनके पिता बाला साहब मुखालफत किया करते थे। बाला साहब तो यहाँ तक कहते थे कि मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर सकता, अगर ऐसा करने की कभी नौबत आई तो मैं अपने संगठन को ही तोड़ दूंगा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दों पर पिछड़ती जा रही है। इसी अवसर का फायदा उठाकर राज ठाकरे राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, जैसे शिवसेना आगे बढ़ी है, लेकिन शिवसेना राज ठाकरे को यह मौका नहीं देना चाहती है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उसके बाद हम लोग भी उससे 2 गुने आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और अगर 4 मई के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राज ठाकरे उसका जिम्मेदार नहीं होगा। आज जब राज ठाकरे का दिया गया अल्टीमेटम का आखिरी दिन है तो महाराष्ट्र सरकार ने केस दर्ज करके राज ठाकरे को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख रजनीश सेठ ने मंगलवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि 13,000 से अधिक लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 149 जो कि संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए लगाया जाता है के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सेठ ने पत्रकारों से कहा औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं, वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। शिवसेना इतनी भर कार्रवाई से कहां रुकने वाली थी, उसने अपने मुखपत्र सामना में राज ठाकरे और भाजपा पर अमर्यादित टिप्पणी की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के एक संपादकीय में कहा कि 1 मई को मुंबई में BJP की बूस्टर डोज रैली शिवसेना को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी, जबकि BJP की रखेल मनसे ने औरंगाबाद में अपनी रैली में शरद पवार को निशाना बनाया था। हालांकि राउत ने यहां रखेल शब्द पर स्पष्टीकरण दिया है, यह ठीक वैसा ही स्पष्टीकरण है जब ड्रग्स मामले को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत और संजय राउत के बीच ट्विटर वॉर चल रहा था, तब राउत ने कंगना को हरामखोर कहा था और उसका मतलब नॉटी बताया था। इस बार भी राउत ने कुछ वैसा ही स्पष्टीकरण दिया है। राउत ने कहा रखेल का अर्थ है लोगों का उपयोग करना। सामने में कहा गया सरकार को उस राजनीतिक दल का पता लगाना चाहिए जिसने राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए हिंदू OSC से अनुबंध किया है। सरकार मजबूती के साथ खड़ी है, जो धमकी दे रहे हैं उनमें कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता नहीं है। उनके पीछे की ताकत बेचैन है क्योंकि वे महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ सके। शिवसेना की इस बौखलाहट से साफ पता चलता है कि राज ठाकरे शिवसेना से हिंदुत्व का मुद्दा लगभग छीन ही ली है।
राज ठाकरे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर वही जगह लेने जा रहे हैं जो जगह कभी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की हुआ करती थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।